को जिन्होंने खूबसूरत महफिल भी सजाई और ये हाल इसीलिए तैयार किया है कि अल्लाह रसूल का जिक्र हो। और ये कितनी बड़ी सआदत है, मैंने पूरे बरतानिया में तकरीबन 4 अशरे मैंने गुजारे हैं, तो मैंने देखा कि किसी जगह भी इस तरह का हाल इस मकसद के लिए किसी ने तैयार नहीं किया। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उमरा हैं, जिनकी दौलत को अंदाज़ा नहीं, बड़े बड़े सूफिया हैं, बड़े बड़े मकाम वाले, लेकिन जिस किसी के हिस्से में वो सआदत आती है, जिस नीयत से उन्होंने ये हाल तैयार किया है, वो नीयत ज़ाहिर हो रही है। इतना नूरानी महफिल है, तमाम हजरात मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमाए, थोड़ा सा मुझे मुल्क मिली है, जितनी देर में एक बुजुर्ग एक बुढ़े का गला गर्म होता है इतना टाइम मुझे मिला, तो गला गर्म होने के बाद फिर ठोस हो जाएगी ना, फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा, चूँकि टाइम की किल्लत है। और भाई साहब ने खसूसी हुक्म किया कि आपने महफिल को जगाना है, ये ना कोई मैं जगाना ही ना तो सुनते हो, तो मिलकर मोहब्बत ने पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल।
खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसने छोड़ फिक्र दुनिया के, मिलके पढ़िए
छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा के पे